आतंक बंद, मुसलमान आवाज दो, एक है आवाज दो, एक है भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये कांग्रेस पार्टी और तमाम सिटीजन की तरफ से एक रोष प्रकट किया गया कि डांगरी के अंदर मासूम लोगों की निर्मम हत्या हुई। पाकिस्तान आतंकवाद का डट करके मुकाबला करना है, उसके लिए हर एक को इकट्ठे होकर के हमने मुंह तोड़ जवाब देना है। जो आतंकवादी साजिश है पाकिस्तान से उभरती है, आतंकवाद की जो साजिश है और मासूम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको बचाना है, उसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। सरकार दावे और वादे करती है लेकिन ना नोटबंदी से, ना स्टेट तोड़ने से, ना इन चीज़ों से आतंकवाद का खात्मा हुआ। लोग बेजमीन बेघर हो रहे हैं और आतंकवाद सेलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग माइनॉरिटी कम्युनिटी की जो है वो बढ़ गई हैं। कश्मीर वादी के अंदर पिछले 10-12 साल में जितने भी कश्मीरी पंडित, जम्मू के मुलाजम, वहाँ के हिंदू जो पुरमन शहरी थे, आज वो कश्मीर से मुलाजम और वो सारे लोग जम्मू में धरने पे हैं। उनको कश्मीर से भगा दिया गया आतंकवादियों द्वारा सेलेक्टिव और टारगेट किलिंग दफ्तरों में, घरों में शहीद करके। हम उनके साथ, उनके परिवारों के साथ सहानुभूति करते हैं। डांगरी के अंदर जो शहीद हुए उनके साथ सहानुभूति करते हैं। हरियाणा में दो नौजवान मारे गए, छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ सहानुभूति करते हैं। सुंदरबनी की आवाम से और सारे शहरदारी हम लोग उन लोगों के साथ खड़े हैं, मासूमों के परिवारों के साथ। लेकिन ये चेतावनी देते हैं सरकार को कि होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली की सरकार जाग जाओ। आतंकवादियों के जो मंसूबे के माइनॉरिटी कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उनको इन जगह से भगाना, कश्मीर से भगाना, गौरीपुर से भगाना, इस साजिश का कड़ा भूतोड़ जवाब हम देंगे। लेकिन